नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट विकास में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूको बैंक के बारे में। यूको बैंक जो है अभी कंटिन्यू एक बुलिश ट्रेंड में मार्केट ट्रेड कर रहा है, और आज का जो आप देख रहे हो एक 1% का गिरावट है, वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में होता रहता है। ऐसा नहीं रहता कि एक कैंडल बनाकर इस तरह से एक अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। दो कैंडल बना रहा तो एक कैंडल रेड तो बनता ही रहता है, इसको देखकर ना डरने वाली बात नहीं है। मेन चीज़ ये जो गिरावट है आपको ये दिख रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए था कि वॉर की वजह से उस दिन गिरा, बराबर फिर हमें अपने आप को सस्टेन करके अपसाइड मार्केट लेके जा रहा है। तो एक तरह से हमको ना अभी बुलिश ही देखना चाहिए अपना व्यू। दूसरा चीज़ है, अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के बाद में भी एक बहुत अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। अभी जो एक आपको जो 50-60 रुपये का जो एक लेवल दिख रहा है ना, वो बार में ना यही चीज़ होगा कि फिर बाद में ना एक अपने आप को लगने लग जाएगा यार अब तो मार्केट बहुत ऑल टाइम हाई है, ये डिस्काउंट लेवल है, डिस्काउंट एरिया चल रहा है अभी जो है ना, एक तरह से जो सस्ते में मिल रहा है। अभी बात करते हैं लेवल के हिसाब से, तो लेवल जो है ना अभी कल के दिन एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो है ना डिलीवरी बेसिस काफ़ी अच्छा है। जैसे कि 31% का डिलीवरी बेसिस है, बराबर ना, 31.74 का आज टोटल वॉल्यूम कितना था, 70 लाख का था, उसमें से डिलीवरी बेसिस काफ़ी अच्छा है, बराबर। और अभी इसमें जाते वक्त भी ना 361 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स की एक बाइंग पोजिशन बनी है। तो मोमेंट जो है ना, मौसम एकदम अच्छा बना रहा है यूको बैंक, तो एक हिसाब से हमको देखना चाहिए। तो सपोर्ट एरिया जो रहेगा ना 52 का रहेगा, ये जो कैंडल का लो है 52, और पहला टारगेट जो रहेगा ना इसका लेवल के हाई तक का रहेगा जो कि 57 का है, दूसरा टारगेट जो है 60 रुपीज़ तक का रहेगा। पहला से जो लेवल मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, तो एक तरह से हमारे लिए अब ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया। तो पहला ये ज़रूरी है, दूसरा जो रहेगा ना इस कैंडल के हाई तक का रहेगा। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चैनल पर भी बढ़ा तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।